ईरान के इसराइल पर 13 अप्रैल 2024 के हमले के बाद से ही मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ईरान का कहना है कि अब अगर इसराइल ने दोबारा ईरान पर हमला करने की जरूरत की तो अगला हमला इससे भी ज्यादा भयानक होगा। वहीं दूसरी तरफ इजरायली पीएम की अगुवाई में वॉर कैबिनेट की एक बैठक हुई है जिसमें ईरान पर जवाबी हमला करने की बात साफ हो गई है। कुछ जानकारों का कहना है कि इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले कर सकता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि वो ईरान पर जवाबी हमले के पक्ष में नहीं है और अगर इसराइल ऐसा करता है तो अमेरिका इसराइल का साथ नहीं देगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अगर ईरान और इसराइल में युद्ध होता है तो किसका पल्ला भारी रहेगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इसराइल और ईरान की सैन्य ताकत के बारे में बारीकी से जानना होगा, जिससे ये साफ हो पाएगा कि आखिर मिडिल ईस्ट में असली बाहुबली कौन है। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल और ईरान की सेना की, तो आपको बता दें कि इसराइल के पास 170,000 सक्रिय सैनिक हैं, जबकि ईरान का ये आंकड़ा इसराइल से कहीं ज्यादा है। ईरान के पास 610,000 सैनिक हैं। इसराइल के पास 465,000 रिजर्व सेना है, जबकि ईरान के पास इसकी संख्या 350,000 है। इसराइल के पास 35,000 अर्धसैनिक बल हैं, तो वहीं ईरान के पास 220,000 अर्धसैनिक बल हैं। अब बात आती है इसराइल और ईरान की एयरफोर्स की, तो आपको बता दें कि इसराइल के पास कुल 612 एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि ईरान के पास 551। इसराइल के पास 241 लड़ाकू जहाज हैं, तो ईरान के पास 186 हैं। इसराइल के पास स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट 23 हैं, तो ईरान के पास सिर्फ 10। इसराइल के पास ट्रेनर एयरक्राफ्ट की संख्या 155 है, जबकि ईरान के पास ये सिर्फ 102 हैं। इसराइल के पास टैंकरों का बेड़ा 14 है, जबकि ईरान के पास 60 टैंकर्स हैं। इसराइल के पास कुल 146 हेलीकॉप्टर्स हैं, तो ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर्स हैं। इसराइल के पास 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि ईरान के पास इनकी संख्या मात्र 13 ही है। अब बात आती है इसराइल और ईरान की जमीनी ताकत की, तो इसराइल के पास कुल 1,370 टैंक्स हैं, जबकि ईरान के पास ये आंकड़ा 1,996 टैंक्स का है। इसराइल के पास 43,407 सैन्य वाहन हैं, जबकि ईरान के पास 65,765 हैं। इसराइल के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 650 हैं, तो ईरान के पास सिर्फ 580 हैं। इसराइल के पास 150 रॉकेट आर्टिलरी हैं, तो ईरान के पास ये संख्या 775 हो जाती है। अब बात आती है इसराइल और ईरान की नौसैनिक ताकत की, तो आपको बता दें कि इसराइल के पास कोई भी फ्रिगेट नहीं है, जबकि ईरान के पास इनकी संख्या 7 है। इसराइल के पास 7 कॉर्वेटीज हैं, जबकि ईरान के पास 3 हैं। इसराइल के पास कुल 5 पनडुब्बी हैं, जबकि ईरान के पास 7 पनडुब्बियां हैं। इसराइल के पेट्रोलिंग जहाजों की संख्या 45 है, जबकि ईरान के पास पेट्रोलिंग जहाज की संख्या 21 है। इसराइल के पास एक भी बारूद बिछाने वाला माइन वॉरफेयर नहीं है, जबकि ईरान के पास इनकी संख्या सिर्फ 1 है। आपको बता दें कि ये जो आंकड़े हमने आपको बताए हैं वो 9 फरवरी 2024 के आंकड़े हैं, जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 से लिए गए हैं। लेकिन युद्ध में टेक्नोलॉजी के लिहाज से इसराइल ईरान से कहीं आगे है, यहां तक कि पूरी दुनिया में इसराइल की सेना सबसे हाईटेक मानी जाती है।